छत्तीसगढ़ में इस बार का चुनाव नेताओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उन पर चुनाव जीतने का कितना दबाव है, इसको समझा जा सकता है कोंटा से आई तस्वीरों के जरिए, जहां पर अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के मंत्री कवासी लखमा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करते दिखाई दे रहे हैं और चुनाव से काफ़ी पहले वो ग्रामीणों को न केवल साड़ियाँ बाँट रहे हैं, लुंगी बाँट रहे हैं, दूसरी ज़रूरी चीज़ें दे रहे हैं, साथ ही पैसे भी बांट रहे हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है, लेकिन इन ग्रामीणों तक पहुंचकर वे ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों को सरकार की विकास योजनाओं से जोड़ा जा सके। ख़ास बात ये कि उन्होंने इन इलाकों में सड़कों के पहुँचने, पुलिस कैंपों को खिलने के साथ साथ नक्सलियों को इस इलाके में उनकी ताकत कम होने का भी जिक्र किया है। भूपेश बघेल के नीति विश्वास, विकास, सुरक्षा, उस कार्यक्रम में आदिवासी भाई लोग बहुत खुश है। सब लोग सड़क मांग रहे हैं, सब लोग डामर रोड मांग रहे हैं। इस गांव में 3 ट्रैक्टर लिए हैं। जिस गांव में कोई आदमी आता नहीं थे, उस गांव में 2-3 तो ट्रैक्टर है। तो इसलिए आप लोग सब लोग देखे हैं, फिडमेल में 16 लाख का स्कूल का भूमि पूजन किया हूँ, वहाँ 11 लाख का पीडीएस बनेगा। तुम्हारा रामाराम भी स्कूल, पीडीएस का दुकान, यहाँ भी पीडीएस का दुकान लगभग बन चुका है, अगले महीना तक बनेगा। सब लोग बोलते हैं कि हमारा गांव में सवाल आए हैं, सिंता गुप्पा से सवाल रह रहा है। इसलिए मैं बहुत सरपंच लोग से नाराज हुआ हूँ। 5 साल हमारा सरकार रही, हम लगातार बोलने के बाद भी, स्वीकृति देने के बाद भी, आंगनबाड़ी का स्वीकृति, स्कूल का स्वीकृति और पीडीएस दुकान का स्वीकृति 6 महीने पहले मिल चुका है। कलेक्टर में हमारे प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया और स्वीकृत हुआ है, लेकिन मनाने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है। अगले 1-2 साल में हमारा सुकमा सिंहगढ़ जैसा विकास इस सुकमा जेगुरगुंडा सेट में, गोलापल्ली सेट में होगा। मैं इतना पानी में भी गांव के लोग मेरे को देखने, तीनों गांवों में गांव के महिला हो पुरुष हो देखने का आतुर थे। मैं उनको सबको बधाई देता हूं। आप लोग भी मीडिया वाले इतना दूर आए, आप लोग को सबको मैं बधाई देता हूं कि मीडिया एक माध्यम है गांव के लोगों को, दुख और सुख को गांव में पहुंचाने वाला। इसी गांव में एक पड़ कोला तक 13 लाख रुपया तेंदुपत्ता का नगद पैसा मिला है। इसी प्रकार तेंदुपत्ता का लाभ 50 करोड़ रुपया जो हमारा वन मंडल को मिला है, हर गांव को 13 लाख 14 लाख रुपया मिला है। उसी कारण ट्रैक्टर में जोतने में काम आया है। धान का फसल भी बहुत जोरदार आ रहा है, पानी भी जोरदार गिर रहा है, इस साल जनता बहुत खुश है। तुम्हारा पटरों पहाड़ो ये सारे लाइट तेलंगाना से चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसका पैसा दे रहा है। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा, कोई एमएलए नहीं होगा दूसरा प्रदेश से लाइट लगाओ। आज इस गांव में आने से मेरे को बहुत खुशी लगता है। इसलिए इस कार्यक्रम में आए बड़ू राजा जी, चुनाव नागे जी, तमाम लोग आरक्षण में आते हैं। इन लोग के लिए सब लोग थोड़ा एक बार ताली मार दो।